जय श्री केदार। ये एक सपना ही तो है जो पूरा हो रहा है, पर ये जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू नहीं होती। हमारी यात्रा शुरू होती है 2019 में, आज से 3 या 4 साल पहले, जब मैं अपने भाइयों के साथ इस केदारनाथ धाम की यात्रा पे निकला था। तो उस टाइम पे क्या दिक्कत आई थी कि हम कपाट बंद होने के बाद यहाँ पहुँचे थे, तो हमें यहाँ से वापस गौरीकुंड से वापस लौटना पड़ा था। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद फिर ट्राई किया तो मैं फिर नहीं जा पाया। और इस बार पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही प्लान बना और हम रात को निकले, दिल्ली से ऋषिकेश पहुँचे। अब ऋषिकेश के सफ़र में भी इतनी बारिश हुई तो लगा मुझे कि भाई आंधी तूफान की नहीं हो पाएगी यात्रा। फिर ऋषिकेश में जैसे ही उतरे 1:30 बजे, हमें 2:30 बजे वहाँ से सोनप्रयाग के लिए गाड़ी मिल गई। सोनप्रयाग पहुँचे, फिर सोचा कि यार आज यहाँ रुक जाते हैं, पर हम जल्दी पहुँच गए सोनप्रयाग 1 बजे। फिर उसके बाद वहाँ से 2 बजे गौरीकुंड और 3 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। और रास्ते में काफ़ी मुश्किल आई क्योंकि रास्ता जो था घोड़े खच्चर की वजह से कीचड़ और बाकी बहुत ही गंदगी से भरा हुआ था। जितने लोग यात्री थे उससे ज़्यादा घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले जा रहे थे। पर जैसे तैसे यात्रा हमने कर ली, बिल्कुल हंसते खेलते हुए ऊपर को आए, नाश्ते खाते हुए, मतलब व्लॉग व्लॉग बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए। और 11 बजे करीब हम यहाँ पहुँच गए। और देखो, हमने अच्छे दर्शन भी कर लिए, पूरा दिन हमने इस घाटी में बिताया। मतलब कुल मिला के एक सपना मतलब था वो पूरा हुआ यहाँ। और कहते हैं कि ये अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो केदारनाथ धाम में ही है। अब किसी स्थान को स्वर्ग का नाम देना बहुत बड़ी बात होती है, पर जब हम यहाँ पे आए और यहाँ की जो मतलब हवाएं, ठंडी हवाएं और यहाँ का माहौल, अंदर से मतलब जो भक्ति थी वो बाहर आ गई। दिमाग में जो सारे ख्याल चल रहे थे वो एकदम गायब हो गए। तो जो स्वर्ग की मतलब आपूर्ति है वो सही में यहाँ पर, मतलब स्वर्ग जैसा यहाँ पे फील होता है। अब स्वर्ग इतना सुंदर है तो ये केदारनाथ ही है। जय श्री केदार। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि ये जो एरिया है यहाँ पे लोग नीचे से अपना पर्सनल टेंट लेके आ रखे हैं। और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि आप ले आओ, कुछ परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे टेंट लगा के आराम से रह सकते हो, बस अगर जगह नहीं हुई तो आपको मतलब कहीं और जाना पड़ेगा। बट ये देखिए, मंदिर के जस्ट इन्होंने बगल में पीछे अपने अपने पर्सनल टेंट लगा रखे हैं। वाह, पर दिक्कत है कि आपको नीचे से उठा के लेके आने पड़ते हैं टेंट। ठीक, केदारनाथ धाम से करीब 500 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर है, भैरवनाथ दिखता मंदिर। यहाँ पे हम चढ़ के आए और यहाँ बैठे तो मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा इलाका खाली है, शांत है, लोग मंदिर तक आते हैं और वापस चले जाते हैं नीचे की तरफ। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार घाटी में ऊपर की तरफ घूम के आए। और ये घाटी मतलब यहाँ से इतने सुंदर नज़ारे हैं चारों तरफ, मतलब नेचर का जो पूरा व्यू है वो यहाँ से प्रॉपर अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। हर तरफ झरने ही झरने, ठीक है, और यहाँ से पूरी घाटी बहुत ही सुंदर दिख रही है। अभी ये मेरे पीछे की तरफ से जो ये दिख रहा है पूरा इलाका, ये उसी टाइम के निशान है जब यहाँ पे आपदा आई थी 2013 में, तो अभी भी उसके निशान ऐसे हैं। और इसको देख के मतलब समझ नहीं पा रहे कि ये इतने उस हिस्से में आया होगा और ये पूरे एरिया को बाहर ले गया था अपने साथ। यहाँ से देखने पे बहुत ही मतलब ख़तरनाक तो दिख रहा है, आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे कैसा हुआ होगा करके। तिरछे तिरछे चल रहे हैं भाई साहब। डॉक्टर साहब, zigzag zigzag, वहां से राइट फिर लेफ्ट।
बहुत खूब, चलो हम आते हैं। श्री जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी, ये इनका उम्र था 39 ईयर्स तक ये जिया है, 5 साल में संन्यास ली, और यहाँ जितना ज्योतिर्लिंग है इंडिया में पूरा उतना का स्थापना इन्होंने की, और सत्य सनातन धर्म का जो पुनस्थापना और खड़े करने का काम उन्होंने अपना प्रयत्न से की, और ब्रह्म सूत्र से लेकर कई अनेक ग्रंथों का रचना की। आज जो धर्म विश्व पूरा विख्यात है वो इनकी वजह से है। इनका नाम जगत गुरु आदि शंकराचार्य है। ये है भीमशिला पत्थर, मतलब भीमशिला के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी तो इस पत्थर के जरिए ही पानी दो हिस्सों में बढ़ गया था, जिससे पानी का पूरा असर मंदिर पे नहीं पड़ा था। तो आज इसको भी मतलब अच्छी मान्यता दी जाती है, बराबर उसमें पूजा जाता है, क्योंकि इस पत्थर की वजह से ही मंदिर को सेफ्टी मिली थी। और आप देखिए लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, इसमें सिक्के चढ़ाते हैं, सिक्के का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट इसकी भी अच्छी खासी पूजा की जाती है यहाँ पर। यहाँ चारों तरफ इतने सुंदर पहाड़ हैं, ये वादियाँ हैं, मतलब यहाँ आके तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला हमें। हम जिस आश्रम में रुके हैं उसका नाम है सीताराम आश्रम। हम यहाँ पे ऐसे आए कि मतलब एक नई कहानी बन गई हमारी। हम आए तो बेस कैंप में हमें एक बाबा जी मिले, जिन्होंने हमको बोला कि हम ये बैग नीचे से ढोते हुए लेके आ रहे हैं, आप मेरी मदद कर दो। तो हमने बोला चलो हम चल लेते हैं, रात के 11 बजने वाले थे। हमने सोचा क्या करें, बेस कैंप में रुके आगे जाएँ। तो हम उस बाबा जी का बैग उठा के अपने साथ यहाँ लेके आए केदारनाथ धाम तक। तो उन्होंने बताया चलिए हमारा आश्रम ढूंढते हैं, आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग भी हमारे साथ तो आश्रम में रुक जाइए। हम उनको बोल देंगे कि हमारे साथ हैं। तो हम यहाँ आए तो देखा हमने आश्रम में सारी व्यवस्था थी, जैसे गर्म पानी की व्यवस्था थी, शौचालय का सही प्रबंध था, और यहाँ हमने रात मस्त रात में सोए, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई, और ऐसा लग रहा था कि मतलब घर जैसा फील आ रहा था आश्रम में। सारे बाबा जी साथ में थे और सबका एक अलग ही अनुभव था इन सब चीज़ों का। ये भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी हुई हमारे साथ आज। ये जो केदारधाम की यात्रा है ना, ये सिर्फ लोग इसीलिए नहीं करते कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और यहाँ जाना एक बहुत ही मतलब अच्छा है कि आप लोग केदारनाथ गए हैं। इसके अलावा भी लोग, आप देखो 19 किलोमीटर कम नहीं होते। 19 किलोमीटर अगर कोई नीचे से ऊपर चढ़ के आ रहा है तो उसमें मतलब आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी, आपके शरीर के मतलब कि आप 19 किलोमीटर जा पाओगे नहीं जा पाओगे। ऊपर से आपके पास भारी सामान, बैग, और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जो लोग थोड़े मतलब अच्छे उससे हैं वो यहाँ पे यात्रा करते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से आए, जैसे कि कोई मध्य प्रदेश से आया है, और कई बाबा जी तो हमें ऐसे मिले जो 2 महीने से निकले हुए हैं और पैदल पैदल नहीं बाबा जी और यात्री लोग भी। और जब हम सुबह उठे तो 1 या 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी जब हमने दर्शन कर लिया उसके 6 बजे के बाद, और वो जब हम यहाँ पे आए तो रात के 3 बजे से लोग, मतलब रात के नहीं सुबह 3 बजे से लोग दर्शन के लिए बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं कि लोग बस ऐसी ट्रेंडिंग में इसलिए आते हैं, मतलब कुछ लोग आते हैं बट एक श्रद्धा भी होती है यहाँ आने की। हाँ वो अलग बात है कि पंचकेदार में से सबसे सुंदर और सबसे मतलब आकर्षित यही मंदिर है। बाकी आप देख रहे हैं अभी भी इतनी भीड़ है यहाँ पे, और ये कंटिन्यू चलती रहेगी भीड़। दर्शन करेंगे कुछ लोग, मंदिर के दर्शन करेंगे कुछ लोग, अंदर जाएंगे, और ये भीड़ कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे। सच में ये मंदिर इतना सुंदर है ना, मतलब चारों तरफ से इसको देखो, आगे से, पीछे से, अगल से, बगल से, हर तरफ से मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी जो मतलब बनाया गया है, और किसी बाबा जी ने हमें बताया गया कि इसमें जो पत्थर लगे हैं वो 12वीं शताब्दी से लगे हुए हैं, बस उनको मेंटेन किया गया है। बीच में कई बार जब आपदा वगैरह आई थी तो मेंटेन किया, बाकी इसका स्ट्रक्चर वही है। अब उस टाइम से अभी तक मंदिर अभी भी इतना सुंदर लग रहा है। हम देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, मतलब जितना देखो मंदिर को उतना कम है। सही में बहुत सुंदर मंदिर है हर तरफ से, चारों तरफ से। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है कि हम यहाँ पे आए, अच्छे से हमने दर्शन किए और मंदिर परिसर में हमें अच्छे तरीके से घूम लिए।
आज का पूरा दिन हम पूरी घाटी में घूमे। एक बार हम ऊपर भैरव देवता के मंदिर गए और आसपास घाटी में मतलब पूरी घाटी को अच्छे से देखा ऊपर से, और बस आज की रात और रुकना है हमने यहाँ पे, और कल सुबह हम यहाँ पे दर्शन करके नीचे की तरफ चल देंगे। जय बाबा भोलेनाथ। जय श्री केदार। अभी सुबह के 9 बजे हैं और हम आप यहाँ से नीचे की तरफ चल पड़े हैं। हम केदार बाबा को आखिरी बार दर्शन कर लेते हैं यहाँ से मंदिर के साथ। यहाँ से मंदिर दिख रहा है और ये सुंदर नज़ारा पहाड़ों का। इस आश्रम में हम रुके थे, यहाँ पे हमें बाल भोग करा दिया और अभी 9 बजे हम यहाँ से चल पड़े हैं नीचे। जय श्री केदार। अभी 10 मिनट हुए हैं हमारी नीचे की यात्रा स्टार्ट हुए, अभी से अपनी अलग डन होगी और अभी सोचो कम से कम 1 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे। चलते हैं नीचे देखते हैं भाई, वाट लग गई उसे। तो अभी हम ऊपर से नीचे आए तो हमारे साथ बाबा जी भी चलें। तो ये बाबा जी चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। बाबा जी ने बताया कि वो बद्रीनाथ की यात्रा करके आ गए। अब इसके बाद बाबा जी जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री, है ना बाबा जी? गौमुख। तो बाबा जी हमें कुछ बताइए आपका, अपने सफ़र के बारे में, आप कहाँ से आए हैं कुछ बताइए। ये लीजिए बाबा जी, कुछ बताइए इसमें, मैं पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। वृंदावन धाम में तपोवन आश्रम है परिक्रमा मार्ग के अंदर। हम लोग वहाँ तपोवन में तपस्या करते हैं। तपस्या का मतलब है भगवत प्राप्ति के लिए नाम की साधना, उसमें बैठ जाना 6 घंटे, 6:15 सवेरे 3 बजे से लेकर और 9:15 तक बैठ के भजन करना, एक ही नाम पर लगातार बैठ जाना। ऐसे ही फिर पुनरावृत्ति, प्रसाद पा के 12 बजे फिर 3 बजे से बैठ जाएंगे, 9 बजे रात 9:15 तक साधना करके फिर शयन होगा। ऐसे करते हुए फिर भाव उठा कि चलो चारों धाम की यात्रा कर लें। तो सबसे पहले बद्रीनाथ धाम गए, वहाँ पे यात्रा की, वहाँ का वातावरण, चारों तरफ पहाड़ों को देखा और वहाँ का नज़ारा देखकर हमें लगा बड़े बड़े पहाड़ जो ये गिरे थे, इसमें जो जलजला आया था, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो कि एक ट्रक में भी नहीं आएगा, इतना बड़ा पत्थर गिर गिर के नीचे नाले में जा के रुके हैं, ऐसा हमने वहाँ देखा। पहाड़ियों में गए, अब हम केदारनाथ में यहाँ पहुँचे हैं, केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहे हैं केदारनाथ से गंगोत्री के लिए। जय श्री राधे। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से 4.5 किलोमीटर हम आ गए नीचे की तरफ, थकान तो इसमें भी हो रही है अपनी, मतलब इतनी एक्टिविटी नहीं है ना, डेली एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, घर से ही काम करना होता है सारा, तो बॉडी इतनी है नहीं एनर्जेटिक, तो बहुत जल्दी जल्दी थकान लग रही थी। अब यहाँ के जो लोकल बंदे हैं वो तो मतलब जो हम 8 से 9 घंटे में कर रहे हैं वो 4 से 5 घंटे में कंटिन्यू, ऊपर एक दिन में 2 चक्कर मार देते हो तो, पर मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं नीचे। बाकी है ही सुंदर घाटी। आसान नहीं है यात्रा, चढ़ने में भी दिक्कत, उतरने में दिक्कत, भीड़ तो आप देखिए। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर
कृष्णा।